उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। इस रथ यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार बहन सुभद्रा ने भगवान से नगर घूमने की इच्छा जताई थी। तब भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर की यात्रा पर निकले थे। तब से ही यह परंपरा जारी है। हर साल पुरी में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं। इस रथ यात्रा में सबसे आगे बहन सुभद्रा, उनके पीछे भाई बलराम और अंत में भगवान जगन्नाथ यात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर बार एक मजार के सामने थोड़ी देर के लिए रुकती है? इसकी वजह बेहद मार्मिक है। कहते हैं भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ये कथा भी कुछ ऐसी ही है। कथा कुछ यूं है कि बहुत पहले भगवान जगन्नाथ का एक मुस्लिम भक्त था जिसका नाम था साल बेग। साल बेग हमेशा मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करता था। लेकिन एक बार किसी कारणवश साल बेग इच्छा होने के बावजूद मंदिर नहीं जा सका। तब भगवान जगन्नाथ ने स्वयं प्रकट होकर साल बेग को दर्शन दिया था। भगवान के दर्शन के बाद निहाल साल बेग ने प्राण त्याग दिए। भक्त साल बेग की याद में एक मजार बनाई गई। इसके बाद जब अगले साल रथ यात्रा निकली तो साल बेग की मजार के सामने जाकर रुक गई। भक्तों ने बहुत कोशिश की लेकिन रथ तस से मस नहीं हुआ। उस वक्त लोगों ने भगवान से प्रार्थना की और साल बेग की भक्ति की जय जयकार की। तब से ही यह परंपरा शुरू हुई कि हर बार रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ थोड़ी देर के लिए इस मजार के सामने जरूर रुकते हैं ताकि भक्त साल बेग उनके दर्शन कर सकें। बता दें कि आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अपने जन्मदिन पर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने पहुंची हैं। दुनिया भर से भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते हैं लेकिन भगवान खुद हर बार अपने एक भक्त को रुक कर दर्शन देते हैं। है ना भक्त और भगवान की अनूठी कहानी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।